बुरा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये संकेत। कहा जाता है कि किसी का भी अच्छा या फिर बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, अचानक से पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरा वक्त शुरू होने से पहले कोई ना कोई संकेत जरूर मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दैनिक जीवन में कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता है जो भविष्य में आने वाले बुरे वक्त की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार वह कौन से संकेत हैं जो अशुभ माने जाते हैं। नंबर एक, ऐसी मान्यता है कि घर में लगा तुलसी का पौधा जितना हरा भरा होगा परिवार में उतनी ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगर तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो इसका मतलब होता है कि जल्दी बुरा वक्त शुरू होने वाला है। नंबर दो, कभी कभार हाथ से छूटने की वजह से शीशा या कांच का सामान टूट जाता है, लेकिन बार बार शीशा गिरकर टूटना शुभ नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके घर जल्द मुसीबत दस्तक देने वाली है, किसी बड़ी मुसीबत से आपका सामना होने वाला है। ये गरीबी के भी संकेत हैं। नंबर तीन, अगर आपके घर में अचानक कलेश बढ़ गया है और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा है तो ये सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। हालांकि ग्रह कलेश वास्तु दोष व घरों के दोषों के कारणों से भी होता है। नंबर चार, अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है, या यह किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर पाँच, यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। नंबर छः, अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है। नंबर सात, अगर घर में पूजा पाठ ना हो या फिर मन ना लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि में कमी दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि ये संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि नहीं होती है। नंबर आठ, यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से अक्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। नंबर नौ, अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमवाड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर दस, ज्योतिष शास्त्र में सोने की चीज़ों का खोना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं अगर आपकी सोने की कोई वस्तु अचानक से खो जाए तो इसका अर्थ है कि घर में समस्याओं का अंबार लगने वाला है। नंबर ग्यारह, यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो ये भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को जीवन में आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, और यदि वो रोती हुई दिखे तो जीवन में कोई अवांछनीय घटना होने वाली है। नंबर बारह, हाथ में घी का डब्बा है और वह गिरकर उसका घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। नंबर तेरह, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती हैं तो यह भी अशुभ माना जाता है, यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत होता है। नंबर चौदह, महिला का दायां अंग या आँख और पुरुष का बायां अंग या आँख फटकना बुरे वक्त का संकेत होता है। ऐसा हो तो भगवान की प्रार्थना करें व उचित सावधानी बरतें। नंबर पंद्रह, अधिकतर लोग घर में रोजाना सुबह शाम पूजा पाठ और आरती करते हैं। जब अक्सर आरती करते समय दीपक बुझ रहा हो तो यह इस बात की तरफ इशारा होता है कि बुरा वक्त निकट है। नंबर सोलह, कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के बड़े बुजुर्गों को अपमानित करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते तो उनके जीवन में कष्टों का आना निश्चित है। वो इसलिए क्योंकि जब हम बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, उनके पैर छूते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। यदि उसका सम्मान न किया जाए तो वे दुखी होते हैं, उनकी आत्मा दुखती है, जो आपके जीवन में आर्थिक संकट को बढ़ा सकते हैं। नंबर सत्रह, कई बार आपका पैसा बिना वजह ही खर्च होने लगता है और आपको उसके कारणों के बारे में भी पता नहीं होता है। दरअसल ये इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। नंबर अठारह, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भी आप काफ़ी हद तक अपने बुरे समय को खुद से दूर रख सकते हैं।
बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बुरे समय में ईश्वर की भक्ति करने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हमें अपने पूर्व जन्म के पापों और कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना होता है। तो अगर आप पूजा पाठ में लीन रहते हैं तो आप अपने पापों के प्रभाव को और बुरे समय को दूर कर सकते हैं। आपको सलाह है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें, साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।